दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली देसी ट्रेवलर पर और एक बार फिर से हाजिर हूं। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूं। अभी आपने लाइव देखा होगा मेरा दो तीन दिन पहले। मैं इस टाइम कराची एयरपोर्ट पे मौजूद हूं और इस टाइम मैं जा रहा हूं श्रीलंका। और इंशाल्लाह मैंने ये रिवील नहीं किया था, अभी रिवील कर रहा हूं। तो ये मेरा वीज़ा और टिकट और पासपोर्ट ये सारा कुछ देख रहे हैं मेरे हाथ में। तो यहाँ से वाया अबू धाबी जो है मेरी फ़्लाइट है, अबू धाबी उतरेंगे पहले और वहाँ से 2 घंटे का जो है ले ओवर है, उसके बाद फिर हम कनेक्टिंग फ़्लाइट लेंगे अबू धाबी से कोलंबो के लिए। तो इंशाल्लाह श्रीलंका में मुलाकात होती है। और ये कोई आम वीडियोस नहीं होंगी, ये वीडियोस होंगी बहुत ख़ास और इसमें मैं आपको बहुत यूनिक चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ जो कि आम तौर पर देखने को नहीं मिलती हैं। अभी सफ़र कैसा रहता है, आगे का सफ़र क्या है, इमिग्रेशन कैसी है और क्या मुश्किलें हैं, ये तो अभी चल के देखेंगे। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं तो जिसमें ये बता रहे होते हैं कि जी इमिग्रेशन में इतना तंग किया और सिक्योरिटी पे ये हुआ, जाने नहीं दिया, ये मांगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे चल के। मैं खुद एक्सपीरियंस करके सारी चीज़ें बताऊँगा आपको और सारा प्रोसीजर भी दिखाऊँगा। तो चलते हैं अंदर और शुरू करते हैं अपने श्रीलंका के सफ़र को। और जी, इस पूरे सफ़र को कामयाब बनाने में मेरे जो सामान भाई हैं इनका बड़ा हाथ है। ये मेरे साथ आज सारा दिन रहे हैं, क्योंकि मैं सुबह फैसलाबाद से पहुँचा हूँ कराची और इन्होंने मुझे पिक किया स्टेशन से और सारा दिन मेरे खाने पीने का ख्याल रखा और मुझे लेके घूमते रहे अपने साथ। और अभी एयरपोर्ट पे भी ये मुझे छोड़ने आए हैं बेचारे। रात के इस टाइम 12:30-1 बजे का टाइम है क्योंकि 4 बजे की फ़्लाइट है। तो ये भी छोड़ने आसमान भाई, बहुत शुक्रिया आपका यार। माई प्लेजर आरिफ भाई, आपका अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आप जहाँ भी जा रहे हैं, जिस मकसद से भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। बहुत शुक्रिया उस्मान भाई, बहुत तरक्की दिया, बहुत शुक्रिया। तो चले उस्मान भाई का थैंक यू करना था तो मैंने कहा चले रुक के ज़रा ये कर लें फिर चलते आगे। और जी, वेंडिंग मशीन यहाँ पे कराची एयरपोर्ट पे मुझे देखने को मिली है जो कि एक बड़ा ही अच्छा इकदाम है हमारे यहाँ पे। ये शायद पहला एयरपोर्ट है, या हफ्ता लाहौर में भी होगा, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम 2 साल पहले गया था लाहौर से। तो यहाँ पे हैं और प्राइसेस भी मुझे कोई ज़्यादा नहीं दिख रही, इकनॉमिकली हैं। 90 रुपीज़ की जो है छोटी ये बोतल है, पानी की बोतल 70 रुपये की है। अब ज़ाहिर है एयरपोर्ट पर है, थोड़ा बहुत तो इस पर एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। और ये साहब इधर हैं, ये यहाँ से जो है ना प्रोवाइड करते हैं आपको जो भी चीज़ लेनी है। और ये काउंटर्स हैं सारे मुख्तलिफ एयरलाइंस के। अभी मेरा इत्तेहाद का काउंटर है तो अभी तक वो ओपन नहीं हुआ है, तो मैं इधर ही जो है वो वेट कर रहा हूँ। इमिग्रेशन जो है वो हो गया क्लियर और बोर्डिंग पास तो पहले मिल चुका था। अभी हम चलते हैं अपने लॉन्च की तरफ, जो हमें गेट नंबर बताया गया 24 नंबर, और ये ड्यूटी फ्री शॉप्स यहाँ पर मौजूद हैं। अभी हम चलते हैं लॉन्च की तरफ और चल के देखते हैं कि हमें कितनी देर और मज़ीद इंतज़ार करना है। जी बाकी का प्रोसीजर बताता हूँ कि क्या क्या हुआ, कैसा हुआ। और जी, बहुत स्मूथ प्रोसीजर रहा सारा। और अभी बस मैं लॉन्च की तरफ ही जा रहा हूँ। जो है मेरा सबसे पहले बोर्डिंग कराया के उसके बाद जो है वो अपना इमिग्रेशन कराया, उस पर एग्ज़िट की स्टैम्प लगी है। अब जा रहा हूँ लॉन्च की तरफ और फिर आगे चल के मिलता हूँ। अचानक से मैंने देखा मेरी आँख लगी, जब आँख खुली तो ऐलान हो रहा था कि जी बोर्डिंग जो है वो शुरू हो गई है। तो बस फिर मैं लाइन में लग के वहाँ से मैंने कैमरा रिकॉर्ड पर डाला और आ गया जहाज़ के अंदर। ये मेरी जो है सीट जो है वो विंडो सीट तो नहीं है, लेकिन अभी जिनकी सीट है वो साहब या साहब अभी तक आए नहीं है। तो मैंने कहा चलेंगे अब तक आप लोगों को उससे बातचीत कर लूँ कि क्या था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि पूरा ही प्रोसीजर आपको बताऊँ कि किस तरह का रहा, जो सारा प्रोसीजर था, किन चीज़ों की जो है ज़रूरत होती है, क्या मुश्किल हैं, अब वो सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी मैं चूँकि यहाँ से अबू धाबी जा रहा हूँ और वहाँ से फिर मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है श्रीलंका के लिए, तो इंशाल्लाह फिर बाकी का जो है मैं आपको वहाँ पहुँच पूरा ही प्रोसीजर जो है मैं बता दूँगा इंशाल्लाह। जी, अबू धाबी जो है उतर चुके हैं, A320 जो हमारा जहाज़ था। आइए चलते हैं, वो आगे इमिग्रेशन वगैरह जो है क्लियरेंस करते हैं।
अपॉर्चुनिटी फॉर प्रेजेंटेशन एट 8:10 AM टू ऑल द गेस्ट्स। और बोर्डिंग जो है वो हो गई है शुरू, अब जा रहे हैं। ये हमारा जहाज है, छोटा ही है, बड़ा नहीं है ज़्यादा। मेरे ख्याल से मैं आया भी इसी में था, ऐसे ही जहाज था छोटा सा। और जा रहे हैं जहाज़ के अंदर, चल के देखते हैं कैसी सीटें हैं। मुझे लग रहा है सेंटर की सीट मिली है मुझे। बस में हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो अभी चलते हैं। अब यहाँ से इमिग्रेशन काउंटर पे जाएंगे, उससे पहले कोई फॉर्म वगैरह होता है वो फिल करना होता है, वो बताता हूँ सारा। और जी एयरपोर्ट पे आके जो है कि अराइवल कार्ड है, इसको फिल करना होता है इमिग्रेशन पे जाने से पहले। इसको पहले फिल कर लें, ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन होती है, इसमें करते हैं। और जी अभी जो है इमिग्रेशन हो गया मेरा, और मैं अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। यहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं, तो अभी चलते हैं बाहर और करेंसी एक्सचेंज का पूछते हैं। करेंसी एक्सचेंज यहाँ पे किधर है, थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। और उसके बाद मेरे ख्याल से सिक्योरिटी चेक अभी नहीं हुआ है, शायद सिक्योरिटी चेक होगा। उसके बाद फिर हम निकलते हैं बाहर और देखते हैं कि कोलंबो कैसे पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ से मैंने सुना घंटे का कुछ सफ़र है कोलंबो का, तो हम कोलंबो चलेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ देखते हैं कि अभी हमें कहाँ कहाँ क्लियरेंस देनी है। मेरे ख्याल से तो नहीं देनी कहीं पर, क्योंकि मुझे कहीं रोका नहीं, कोई बैग वैग चेक नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं और चल के करेंसी वगैरह और सिम वगैरह का सिस्टम करते हैं। और जी ये मैं निकल आया हूँ बाहर, मेरे को कस्टम क्लियरेंस तो नहीं देनी थी, कोई डिक्लेरेंस नहीं देनी थी। और ये यहाँ पे एक्सचेंज वाले हैं एयरपोर्ट से निकल के, जब इमिग्रेशन वगैरह से, तो एक्सचेंज वाले सिम वाले इधर बैठे हैं। थैंक यू। और जी मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई है और मुझे रेट जो मिला है वो 298 का मिला है। देखें मैंने अभी $96 चेंज करे हैं और इसके बनते हुए 28,608। तो हम इसको काउंट करते हैं। और ये इस तरह के यहाँ पे जो है इनके नोट होते हैं, ये 1,000 का नोट है, 5,000 का नोट है, मुख्तलिफ करेंसी का नोट है। चले जी अब GoPro आ गया मेरे पास, मेरा कॉन्फिडेंस बहाल हो गया। मोबाइल पे कर करके मैं बहुत जो ना उकतासा गया था। अब चलते हैं सिम लेते हैं चल के, और यहाँ पर देखते हैं कौन सी सिम है जो हमें मुनासिब भी पड़ेगी और कारगर भी होगी। यहाँ पे हैं कुछ इस तरह की शॉप्स, और डायलॉग के बारे में मैंने सुना है कि ये बड़ी अच्छी होती है डायलॉग की सिम। इनका पैकेज चेक करते हैं कितने का आ रहा है, क्योंकि मैं कोई वीडियो शीडियो भी अपलोड कर लूँगा। एयरटेल, डायलॉग, SLM और हच, ये हैं यहाँ पे सर्विसेज। ये एक प्यारे भाई हैं, इन्होंने मुझे अभी समझाया बस कहाँ से मिलेगी। और वेलकम टू श्रीलंका ऑफिशियली अब मैं कह सकता हूँ, क्योंकि एंट्री हो गई है। और यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलते ही श्रीलंका के झंडे नज़र आ रहे हैं, और ये बुद्धा का स्टैचू है भाई, देखें ये कितनी खूबसूरत इमारत बनी है। और ये यहाँ से एग्ज़िट होंगे हम और निकल के फिर आपसे बात करते हैं। भाई बुला रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं बस स्टॉप। ओके कोलंबो, कोलंबो तो नियर द बस स्टॉप, तो कोलंबो बस स्टॉप, नो 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 नियर द बस, नियर द बस। ओके कम, हाउ मच? 500। चलो जी ये 500 ले रहे हैं भाई, ये तो बहुत मुंह फाड़ के बोल रहे हैं, 1 किलोमीटर का 500 इतना थोड़ी बनता है। हम पैदल चलते हैं तो ये इतना 1 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं मेरे लिए, तो मैं पहुंच जाऊंगा चलते चलते। मुझे कोई जल्दी भी नहीं है, जाके बस रेस्ट ही करना है, और मज़ीद मुझे कोई काम फ़िलहाल तो नहीं है। रात में उठ के देखूंगा, कोई मार्केट वगैरह एक्सप्लोर करता हूं, और फिर उसके बाद मिलते हैं। मुझे चश्मा लगा लेना चाहिए, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैं वो तो लेकर आया हूँ सन ब्लॉक जो होता है, और मुझे लग रहा है यहाँ पर इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर बहुत गर्मी है भाई, बहुत पसीना आ रहा है मुझे, मुझे लग रहा है कि ये जान निकालने वाला है श्रीलंका। यहाँ पर इतनी गर्मी में घूमना ना मेरे लिए बड़ा मस्ता होगा।
चले कोई बात नहीं, आप लोग बस सपोर्ट जारी रखें। श्रीलंका की सीरीज शुरू हो गई है और इंशाल्लाह इसके अंदर आपको बहुत ही यूनिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और मैं अभी जा रहा हूँ बस के लिए। ये देखें इस तरह की रोड्स हैं एयरपोर्ट के पास। हाय, ये एयरपोर्ट है जहाँ से मैं भी आया हूँ और ये रास्ता है। और मैंने अपना हुलिया चेंज कर लिया है, मैं बताने भूल गया, मैंने शर्ट चेंज कर ली, मुझे गर्मी बहुत लग रही थी तो बस अब धूप ऐसी है ना वो चुभ रही है, काट रही है। बस स्टैंड पर पहुँचने वाला हूँ, मैंने पूछा है तो मतलब लेफ्ट साइड में मुड़ गई, बस स्टैंड है, बस चल रहे हैं बस स्टैंड की तरफ और बैठते हैं बस में और कोलंबो पहुँचते हैं। मेरे ख्याल से घंटे डेढ़ घंटे का तो रास्ता भी यहाँ से। और देखें चौक के ऊपर एक बड़ा खूबसूरत उनका जो बुद्धा का स्टेचू भी रखा है। ये मुख्तलिफ जगहों पर नज़र आ रहा है मुझे इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये एक बुद्धिस्ट कंट्री है तो यहाँ पे बुद्धा के मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए जगह जगह पे इस तरह के बुद्धा के स्टैचू नज़र आ रहे हैं। ये नगेम्बो शहर है जहाँ पे ये रेलवे अपना एयरपोर्ट है। रेलवे में सफ़र बहुत करता हूँ ना, बार बार रेलवे निकलता है मेरे मुँह से, तो ये एयरपोर्ट जो है नगेम्बो में है। और मैंने जाना है कोलंबो, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शायद आगे निकल जाऊँ बस। पूछते हैं कोलंबो फोर्ट, हाउ मच फेयर? 1 पर 320। ओके, एसी बस? ओके ओके। यहाँ से यहाँ पे मैं बस स्टॉप पे आया था कोलंबो के लिए, 320 रुपये इन्होंने जो है ना मुझे बताया फेयर, 320 रुपये यहाँ से कोलंबो का। कोलंबो फोर्ट दूंगा मैं और बस ये बस है जैसे कोस्टर होती है हमारी, इस तरह की बस है। और जी ये प्राइवेट बसें हैं इस कलर में, बस दिस वन प्राइवेट, ओके, इन रेड कलर गवर्नमेंट बस, या रेड कलर गवर्नमेंट बस, ओके, ये दिस इज गवर्नमेंट बस, ओके। आई एम गोइंग टू एडम्स पीक हैटन स्पीक या इज इट सेफ दिस टाइम? हैव बाय ट्रेन ट्रेन हैव बोर्ड हैव बोर्ड ओके 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 और जी ये रेलवे स्टेशन ओके ओके, थैंक यू ब्रदर। लेफ्ट साइड आई एम गोइंग रेलवे स्टेशन, ओके ओके, यू आर ऑलरेडी गोइंग, ठीक है। भाई भी मेरे साथ जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं। ये है रेड जो गाड़ियाँ हैं ये गवर्नमेंट की हैं जो रेड कलर में होती है, बाकी जो हैं वो दूसरे कलर में मिलेंगी आपको, वो प्राइवेट होती हैं वो। और बस वीडियो को मैं इधर ही इख्तिताम करता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पाकिस्तान से मैं चला था और श्रीलंका पहुँच गया हूँ, तो अब तक के लिए इतने इस वीडियो में। अगली वीडियो में बड़ी ज़बरदस्त वीडियो होगी, वो देखनी ज़रूर है आपने। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।